Tenos! Yeah! हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एवेंजर्स का स्पेशल कैरेक्टर थेनोस का हथियार। जो लास्ट सीन में वो हाथ रखता है, वो हाथ पूरा गन के शेप में लेके आ चुका हूँ। यहाँ से हाथ में से गन में बुलेट, वाटर बुलेट फायर होगी, पूरी लाइटिंग होगी। यहाँ पे देखिए, ये पूरा हाथ है। पैकेजिंग भी काफी बढ़िया है, क्या क्या फंक्शन है सब लिखा गया है। यहाँ पे थेनोस का फोटो दिया गया। ऐसे जो वाटर बुलेट है वो ट्रिगर आता है, ट्रिगर प्रेस करेंगे तो फायर होगी। और ये जो पांच मनी है, बटन है अलग अलग, जो ग्रह से ये थेनोस लाया, कलेक्ट करके लाया था और ये बनाया था। काफी अच्छा उसका सीन है वो, तो वही उसमें लाइटिंग होती है, प्रेस नहीं होता है। यहाँ पे कैरी बैग की तरह दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप है कैसे हमें बुलेट लोड करना है, कैसे लॉन्चर बैटरी वगैरह, रिचार्जेबल बैटरी दोस्तों इसमें आती है, रिचार्जेबल बैटरी है और काफी बढ़िया इसमें फंक्शन वगैरह है। तो चलिए दोस्तों, ये थेनोस के हथियार को हम ओपन करके चेक करते हैं कैसे ये वर्क करता है, कैसी क्वालिटी है, क्या प्राइस है इसकी और कहां से आपको मिलेगा ये हाथ, वो सब हम ये वीडियो में आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो एंड तक वीडियो देखते रहे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग टॉयज के वीडियो हम आपके लिए लाते रहे दोस्तों। जब ये थेनोस के लास्ट सीन में चुटकी बजाने वाला होता है तो बोलता है कि इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है, ये कभी अपने बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, तब तक ये अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते, बेवकूफ लोग, ऐसा ये डायलॉग बोलता है। बट वो काफी डीपली जाएंगे तो काफी सही है अभी इस जनरेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये थेनोस को यहाँ पे मैंने कैरी बैग की तरह कलेक्ट कर लिया। अभी मैं सही जगह पे इसको रख देता हूँ, यहाँ पे इसको रख देते हैं। अभी इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो वाटर बुलेट का पैकेट है हमने भिगा के रखा था, तो ये अभी लेके आ चुके हैं। यहाँ से बॉक्स में से इसको ओपन कर देता हूँ मैं पहले। जब तक दोस्तों ये बॉक्स में से थेनोस का ये हाथ बाहर आ जाए, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पैकेजिंग भी काफी बढ़िया दिया गया है। देखिए, इतनी तो एसेसरी इसके साथ आती है। एक बात मुझे काफी सही लगी, ये जो 500 पीस के पैकेट आते हैं, इसके साथ 6-7 पैकेट इसके साथ आते हैं, तो वो काफी बढ़िया है। बाकी दूसरी वाटर बुलेट गन में आगे आपके लिए लेके आया था, उसमें 2 ही पैकेट आते हैं, तो 2 पैकेट खत्म होने के कारण वो गन को क्या करे, मार्केट से आपको परचेस करना पड़ेगा। इसमें वाटर बुलेट भिगा सकते हैं 1-1 पैकेट। ये आ गया सेफ्टी गॉगल्स। थेनोस को क्या गॉगल्स की जरूरत पड़ती है, पूरे ब्रह्मांड पे राज करने वाला विलन होता है वो। तो यहाँ पे मैं हाथ को ओपन कर लेता हूँ। हाथ भी काफी हम सोने का हो वैसा इसका पूरा कलर दिया गया। वाह, एक बार दोस्तों आप इसको हाथ में लेके फील करेंगे तब आपको समझ आएगी इसकी क्वालिटी वगैरह। एकदम हैवी मटेरियल है दोस्तों, पूरा ये प्रेस नहीं होता, पूरा लाइटिंग होता है। यहाँ पे आता है दोस्तों इसका ऑन ऑफ का बटन, रिचार्जेबल बैटरी इसकी लगती कहाँ पे है मैं भूल गया, यहाँ पे आती है। यहाँ पे इसकी रिचार्जेबल बैटरी डालनी है, बैटरी भी इसका चार्जिंग करने का केबल भी हमें दिया गया, बैटरी भी काफी बड़ी है दोस्तों। ये आता है ट्रिगर का बटन, ये ट्रिगर हम प्रेस करेंगे तो इसका हाथ देखिए ऐसे नीचे आएगा, ये चुटकी बजाया मतलब ये दुनिया खत्म, नहीं तो खत्म नहीं होगी। यहाँ से दोस्तों देखिए, यहाँ से ये बुलेट है वो फायर होगी, ये जो यहाँ पे डॉट है इसको प्रेस करना है। देखिए ये लाइटिंग भी होगी, देखिए लाइटिंग होगी। अभी बुलेट हमें लोड कहाँ पे करना है, शायद ये पार्ट है वो बुलेट लोड करने का है, वो बॉक्स पे देखना पड़ेगा बुलेट लोडिंग का कहाँ पे है। तो प्रीमियम क्वालिटी दोस्तों ये हाथ है, पूरा काफी बढ़िया क्वालिटी है और वेट भी इसका लगभग 1.5 किलो के आसपास होगा। और ऐसे आपको इसको हाथ में रखना है थेनोस। तो दोस्तों, हमने जो वाटर बुलेट पानी में भिगा दी थी वो इतनी साइज की हो गई। अभी जो ये ऊपर का पार्ट है, यहाँ पे ये पार्ट को ओपन कर लेना है, यहाँ पे हमें ये बुलेट है वो भरना है। तो टंकी तो काफी बड़ी साइज की है, नहीं बड़ी नहीं, अभी फिर से इसमें से एक बार लोड कर लेता हूँ। यहाँ पे दिखाओ, ये पानी में से पानी पहले जाने देना पड़ता है। देखिए ऐसे बुलेट आ जाइए इधर, पूरा पानी हमें बाहर ही रखना है, वरना इसमें फिर आ जाएगा तो वाटर प्रूफिंग बैटरी का इश्यू आएगा। तो ये भी देखिए पूरा फुल हो गया है, थोड़ा सा बाकी है, बट अभी इसको मैं कर देता हूँ बंद। अभी इसको मैं, मेरे तो लेफ्ट राइट हैंड में ही सूट होगा ये। अभी इसको ये यहाँ पे बॉक्स पे देखिए इसका फायरिंग, मारता हुआ सब बुलेट अभी निकल नहीं रही है, कहाँ पे जाम है। देखिए पूरा बॉक्स हिला देते हैं, ये डब्बी को मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको देखिए। ओहो,
एक और बार आ जाइए इधर, ये गई डब्बी इधर। तो काफी ज्यादा प्रेशर से दोस्तों ये पूरा उसका साउंड सुनिए आप रियल गन की तरह। यहाँ पे देखिए ये ढक्कन को, तो काफी ज्यादा प्रेशर से दोस्तों थेनोस का हाथ है वो गन बुलेट है वो फायर करता है। काफी बढ़िया लुक है, प्रीमियम क्वालिटी है दोस्तों। तो अलग अलग मैं टारगेट के साथ इसको आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे ये गन है वो फायर करती है। अभी दोस्तों ये हाथ से मैं ये जो पेड़ है उसकी टहनी पे फेंकता हूँ, देखते हैं उसकी जो इसमें जाम हो जाती है कभी कभी। देखिए देखो वो टहनी हिली है पहली बुलेट में ऊपर। देखिए ऐसे मैं करता हूँ तो बुलेट जो है इसमें लोड किया है वो ये साइड से ऐसे आ जाती है। तो यहाँ पे लोडिंग लोडिंग के लिए आती नहीं है बुलेट, इसकी वजह से कंटिन्यू फायर नहीं होती। देखिए थोड़ा सा हमें ऐसे क्रॉस रखना पड़ेगा। देखिए पानी में फेंकता हूँ, यहाँ पे आ जाए पानी में कंटिन्यू। कंटिन्यू फायर में थोड़ा इश्यू नहीं है लगता। दोस्तों मैंने वहां पे खाली बोतल रख दी, अभी ऐसे मैं वो बोतल को टारगेट करता हूँ गिरा पाता है कि नहीं। देखिए इसको टारगेट कर दिया है यहाँ पे। तो अभी मैंने दूसरा टारगेट यहाँ पे सेट कर दिया। अभी ये जो प्लास्टिक का बॉक्स है उसके ऊपर ये मैं वाटर बोतल छोटी सी रख देता हूँ। अभी जाता हूँ पीछे यहाँ से। देखिए इसको भी टारगेट कर दिया है यहाँ पे। तो टारगेटिंग में काफी बढ़िया है, रेंज भी काफी ज्यादा है इसकी, बट कभी कभी ये बोटल बुलेट है वो कंटिन्यू निकलती नहीं है यहाँ पे। अभी दोस्तों हमने टारगेटिंग में पूरा टेडी बियर रख दिया, अभी मैं इसको फायर करूंगा। देखिए इस पे थाली पे इसका आवाज आपको आएगा, ये बुलेट कैसे फायर होती है। तो पूरा टूट जाती है बुलेट यहाँ पे। अभी इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे, अभी वो टेडी बियर को टारगेट करते हैं। यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, देखिए नजदीक आ जाएगा थोड़ा सा। तो इसका देखिए वो पूरा हिल रहा है। तो रेंज इसकी काफी ज्यादा है, स्पीड भी काफी ज्यादा है। ये थेनोस के हाथ से भी हाइट चेक करता हूँ, मेरे ऊपर जा रहा है पूरा एरोप्लेन। देखिए थेनोस के हाथ में जो गन है उसके कंपेरिजन में दूसरी में वाटर बुलेट सेम ट्रिगर वाली लेके आ चुका हूँ। अभी मैं दोनों को रख दिया यहाँ पे, मैंने दोनों टारगेट, दोनों को यहाँ से मैं करता हूँ टारगेट। और जाओ पीछे, यहाँ से पहले ये वाली गन को उसको गिराने की कोशिश करते हैं। वाटर बोटल हिल रही है बट गिर नहीं रही है, आप देखो उसको फोकस करना। तो इससे पूरी बुलेट फायर हो गई, अभी ये बोटल को ट्राई करता हूँ। देखिए ये बोतल को इसने गिरा दिया है। तो इसका इतना ज्यादा फोर्स नहीं है, तो अब बारी आती है थेनोस की। देखिए वाटर बोतल को हिला दिया है, अभी ये बुलेट को इसको बार बार ऐसा करना पड़ता है। देखिए ये बोतल गिर गई, ये मुझे लेफ्ट हैंड में लेना पड़ेगा। ये दोनों गिर गई है, देखिए दोस्तों। तो स्पीड, रेंज और इसकी फोर्स फायर करने की जो शक्ति बोलते हैं वो ज्यादा है थेनोस की वो गन के कंपैरिजन में। अभी दोस्तों इसका साउंड आप सुनिए और इसका सुनिए, एकदम मशीन गन की तरह साउंड करेगी दोनों का आमने सामने। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो एंड के शेप में गन है थेनोस की वो आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी और परचेस करना तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप ये गन को परचेस कर सकेंगे। इसकी क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों प्रीमियम टॉय जिसको बोलते वो कैटेगरी में आता है, काफी बढ़िया दोस्तों। इसको आप हाथ में फील करेंगे तब मालूम पड़ेगा इसकी क्वालिटी क्या है। वर्किंग भी काफी बढ़िया तरीके से कर रही है। वाटर बुलेट जब हम इस पे डालते
तो एक साथ कंटिन्यू लोड नहीं होती, ऐसे फायर करते और ऐसे ऐसे हमें करना पड़ता है, क्योंकि वाटर बुलेट की साइज छोटी बड़ी होने के कारण इसमें जाम हो जाती होगी, इसके कारण ऐसे ऐसे करके फिर से कंटिन्यू फायर होती है। स्पीड रेंज और इसका टॉर्क काफी ज्यादा है दोस्तों, तो आपको श्योर परचेस करना चाहिए। मैंने इसको 4000 में परचेस किया था, 4000 में। अगर आपको अच्छा लगा और परचेस करना तो लिंक में जाके प्राइस वगैरह चेक कर सकते हैं। सुपर क्वालिटी दोस्तों, लाइटिंग वगैरह सब वर्किंग वगैरह, आप इसको डिस्प्ले डेकोरेशन में भी रख सकते हैं अगर आप एवेंजर्स के फैन हो तो। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे अमेजिंग टॉयज के वीडियो दोस्तों हम आपके लिए लाते रहे।